साक्षी, स्वागत है आपका टुडेज में, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। आपको बता दें कि साल 2021 में जिन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहेगा, उनमें SS राजमौली की RRR भी शामिल है। इस फिल्म का इंतजार बढ़ने की एक वजह इसकी स्टार कास्ट भी है, जिसमें अजय देवगन, रामचरण जूनियर, NTR और आलिया भट्ट जैसे नाम शामिल हैं। इसी बीच में इस फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, दरअसल खबर आ रही है कि श्रेया शरण RRR से एक भूमिका कर रही हैं और जल्द ही सेट में शामिल होंगी। आपको बता दें कि श्रेया शरण को बी टाउन के अभिनेता अजय देवगन के सामने कास्ट किया गया है। उन्हें केवल 10 मिनट के लिए फिल्म RRR में देखा जाएगा, जिसमें जूनियर NTR और रामचरण मुख्य भूमिका में हैं। RRR निर्माताओं के करीबी सूत्रों ने खुलासा किया है कि श्रेया शरण छोटी सहायक भूमिका निभा रही हैं और उनके चरित्र में अजय देवगन के साथ कोई रोमांटिक दृश्य नहीं होगा। बता दें कि श्रेया शरण ने SS राजमौली के साथ फिल्म छत्रपति के लिए काम किया है, जिसमें युवा विद्रोही स्टार प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई थी। बताते चले कि RRR फिल्म में 20वीं शताब्दी की शुरुआत के दो स्वतंत्रता सेनानियों अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के जीवन के आधार पर काल्पनिक कहानी बुनी गई है। रिलीज की बात करें तो यह फिल्म 8 जनवरी 2021 को सिनेमाघरों में तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।